मैं फरिश्ता वतन में अपने आप को बाबा की समक्ष अनुभव कर रहा हूं। मामा बाबा मुझे अपनी स्नेह भरी नजरों से निहाल कर रहे हैं। ये स्नेह भरी पावन किरणें मेरे अंतर मन को स्नेहमयी बना रही है। मैं फरिश्ता ऐसा अलौकिक स्नेह पाकर स्वयं को अत्यंत भाग्यशाली अनुभव कर रहा हूं। अब मैं फरिश्ता मामा बाबा से प्रतिज्ञा कर रहा हूं। मम्मा, जैसे आपने अपने सिर पर ज्ञान अमृत का कलश धारण कर अनेक सेवाओं के निमित्त बनी, ऐसे मैं भी परमात्मा शिव पिता के ज्ञान अमृत कलश को अपने सिर माथे रखकर विश्व की अनेक दुखी अशांत आत्माओं की प्यास बुझाऊं। जैसे आपके कमल मुख से कभी ये शब्द नहीं निकला कि ये सेवा मैंने की, सदा कहती रही पिता प्रसादे, बाप से मिला हुआ सुना रही हूं। प्यारी मम्मा, मैं आपके इस विनम्रता भरे महावाक्य को सदैव स्मृति में रखते हुए शिव बाबा से मिले हुए ज्ञान अमृत को पिता प्रसादे समझूंगा और मैंपन का त्याग करूंगा। जैसे आपकी वाणी में नम्रता, मधुरता, सच्चाई झलकती थी, मैं भी इन दिव्य गुणों को धारण करते हुए अपने व्यवहार में नम्रता, वाणी में मधुरता और जीवन में सच्चाई को अवश्य धारण करूंगा। जिस प्रकार आपने अपने मन में किसी के लिए ग्लानि का भाव नहीं रखा और ना ही आपके मुख से किसी के भी प्रति कटु वचन निकले ही नहीं, मैं भी आपके इन विशेषताओं को धारण कर वसुधैव कुटुंबकम की भावना से सबके प्रति शुभ भावना और सम्मान की भावना रखूंगा। मम्मा बाबा मेरी प्रतिज्ञा से प्रसन्न होकर मुझ पर वरदानों की वर्षा कर रहे हैं। ज्ञानी भव, वफादार भव, दिव्य गुणवान भव, निर्माण भव, मैं इन वरदानों से संपन्न होकर स्वयं में भरपूरता का अनुभव कर रहा हूं। मैं मम्मा बाबा का हृदय से धन्यवाद कर रहा हूं। धन्यवाद मम्मा, धन्यवाद बाबा। किन शब्दों में मैं आपका धन्यवाद करूं? किन शब्दों में मैं आपका धन्यवाद करूं?
ओम शांति।